हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 13 19 सेंचुरी से ईस्ट, जिसमें आज हम लोग टच करेंगे आर.एल. स्टीवेंसन सर को। तो इनका पूरा नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इनका लाइफ स्पैन 1850 से 1894 रहा। आज इस पार्ट में सिर्फ हम इनके बारे में जो बुक्स में चीजें लिखी गई है उनको स्टडी करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिनमें इनके बारे में और भी चीजें बताएंगे, क्योंकि इनकी स्टोरी मुझे थोड़ी अलग और अच्छी लगी। तो आइए पढ़ते हैं। तो स्टीवेंसन क्या था, एक वर्सटाइल, ही वाज मैन ऑफ वर्सटाइल जीनियस। वो एक काफी जीनियस मैन थे, काफी इन्होंने अपने ऊपर मेहनत करा था और इन्होंने काफी कुछ पढ़ा था। तो ही वाज मैन ऑफ जीनियस। बिसाइड बींग फॉरमोस्ट एसेइस्ट सिंस लैम, ही वाज ऑल्सो अ पोएट, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो वो क्या थे, लैम्ब के बाद एक बहुत अच्छे एसेइस्ट हुए। एसेइस्ट होने के साथ साथ वो एक पोएट भी थे, वो नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उन्होंने लगभग अपने एसेज में हर चीज को टच करा और सारी चीजों को उन्होंने ना बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करा, उसको प्रेजेंट करा और उसको जो है ना सुंदर तरीके से उसको रखा, हर चीज को सजा सजा के प्रेजेंट किया। The gift of essay writing was inborn in him. तो essay writing का जो gift था वो क्या था, कहते हैं ना कि inborn talent है, बचपन से ही उस चीज में माहिर थे, तो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। वो चीजों को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करते थे और बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट चीज को भी ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, और जो भी चीजें ये ऑब्जर्व करते थे उसका अपने एसेज में ये बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रयोग में लाते थे। उनकी छोटी से छोटी चीजें उनके द्वारा सजेस्ट की जाती है ना, उसमें काफी डीप मीनिंग होता है, उसके काफी डीप रिफ्लेक्शंस होते हैं। इनके कुछ वर्क्स का नाम लिखा है जो कि काफी फेमस है, एन इनलैंड वॉयज, ट्रेवल्स विद अ डंकी, फैमिलियर स्टडीज ऑफ मेन एंड बुक्स, मेमोरीज एंड पोर्ट्रेट्स। तो दीज आर सम ऑफ द फेमस बुक्स रिटन बाय हिम। तो ये एसेज के जो है ग्रेट नाम है जो इन्होंने लिखा। सेकंड, द ऑटोबायोग्राफिक नोट। तो ये अपने एसेज को किस तरह से ऑटोबायोग्राफिक क्वालिटीज से जैसा लिखते हैं उनके बारे में ये बेसिक पैराग्राफ है। तो देखते हैं क्या क्या कुछ इसमें है। स्टीवेंसन एसेज आर हाईली ऑटोबायोग्राफिकल, ये बहुत ही ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल है। ये आपको इनकी एसेज में इनकी अपनी छवि देखने को मिलेगी। द पर्सनल नोट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज राइटिंग। पर्सनल नोट, कहीं ना कहीं अपने बारे में घुमा फिरा के चीजें अपने एसेज में लिखते हैं। इनके एसेज इनकी जो है ना चार्मिंग पर्सनालिटी को दिखाती है। जहां भी ये जाते हैं, वेयर एवर, मतलब एवरीवेयर, वी गेट डिलाइटफुल कॉन्फिडेंसेस। तो जो है ना कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनके बारे में क्या है, नहीं है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, क्या सोच रखते हैं, ये सारी चीजें आपको इनके एसेज में देखने को मिलेगी। वो खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने एसेज में बात करेंगे, कैसे उन्होंने जो है लाइफ के टफ सिचुएशंस को झेला और उसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इंटीमेट तरीके से, बहुत ही एक लाइट वे में अपने जिंदगी के स्ट्रगल को, अपने जिंदगी के खुद के एक्सपीरियंसेस को अपने बताते हैं। तो यह कभी भी बैकग्राउंड में ना रह करके ये हमेशा अपने एसेज में फोरग्राउंड में रहते हैं, मतलब आपको सामने दिखेगा कि हाँ, दिस इज द पर्सन जो ये कहानी लिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी की कहानी है, आपको महसूस होगा। और बड़ी बात यह है कि उन सभी चीजों को बहुत ही लाइट मैनर में, बहुत ही इजी मैनर में प्रेजेंट कर पाना, ये बड़ी बात है। ऑन द बुक दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड मी, ये इनकी एक बुक है जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि एग्जाम्पल के लिए, वी नो द वेरियस बुक्स दैट ही रीड एंड एंजॉयड एंड That bent into making of his personality. तो ये जो बुक है लिखा हुआ इनके द्वारा, या जो भी ऐसे है लिखे इनके द्वारा लिखा हुआ, तो ये ऐसे का नाम क्या है, On the books that have influenced me. तो इस बुक में ना वो सारे बुक्स की जिक्र है जो इन्होंने पढ़ा, इन्हें काफी अच्छा लगा, और कैसे ये बुक्स इनके लाइफ को, इनके पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस किया, इस बात का जिक्र इस ऐसे में है। He does not even hesitate to tell us that in the beginning he found the question of editor a difficult one, didn't know how to set about answering it. तो ये जो है ना, देखिए, आदमी अपने पॉजिटिव पहलुओं को बताए ये बड़ी बात है, लेकिन जब आदमी अपने निगेटिव पहलुओं को भी खुल के बताए, दैट इज द रियल पर्सनालिटी। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू पर्सोना, तो
उनका एक रियल पर्सोना यहाँ पे निकल के आता है जब उन्होंने अपनी निगेटिव चीजों को भी खुलकर सामने जो है प्रेजेंट करते हैं। एक समय था जब ये अपने जो एडिटर्स के बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, तो उस समय के परिस्थिति को जब ये उस तरह के हालात से गुजरे, जब इनके अंदर वो पर्सनालिटी के अंदर वो जो कमी थी उस चीज को भी अपने एसेज में ये खुल के प्रेजेंट करते हैं, ये एक अच्छी बात है। आप एक्सेप्ट करोगे चीजों को तभी आप आगे बढ़ोगे। अगला इनका जो पॉइंट है वो है मोरल नोट। तो कहीं ना कहीं मोरालिटी की बातें करेंगे, आदमी को अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इथिक्स को फॉलो करने चाहिए, गॉड को ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमें नेचर को एंजॉय करना चाहिए, कहीं ना कहीं इन सारी बातों का जिक्र इसमें होगा। तो स्टीवेंसन क्या थे, हमेशा मोरलिस्ट थे, क्या सही है क्या गलत है इसका जो है इनको प्रॉपर ध्यान रहता था, और ये चाहते थे कि एक मोरल वैल्यूज अपने एसेज के थ्रू ये प्रोपोगेट करें। एंड अ प्रोफाउंड इथिकल नोट, क्या सही है क्या गलत है, ये इनके एसे का एक करेक्टरिस्टिक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका एम था लाइफ में कि गॉड को ग्लोरीफाई करें और गॉड के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो ये वर्ल्ड है उसकी ग्लोरी को भी इंजॉय करें। मतलब गॉड को हम ग्लोरीफाई करेंगे कि जो उन्होंने लाइफ में हमें लाइफ दिया, हमें इतनी सारी चीजें दी, तो बी ऑल आर बिकॉज ऑफ गॉड। तो कहीं ना कहीं वो गॉड को ग्लोरीफाई करते हैं और बोलते हैं कि जो गॉड का क्रिएशन है उसकी ग्लोरी को एंजॉय करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ही बिलीव दैट देयर कुड बी नो गुड बुक विदाउट अ गुड मोरालिटी। तो कोई भी बुक जिसमें मोरालिटी की बात ना हो, जिसमें एक अच्छी मतलब एक अच्छी बात सीखने को ना मिले, उस बुक की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाती है। मतलब वो चाहते हैं, उनका मानना है कि एक अच्छे बुक में एक मोरल वैल्यूज होना चाहिए। ही लाइक विटमैन, तो वॉल्ट विटमैन अमेरिका के जो बहुत बड़े पोएट है उनकी एक रचना है लिप्स ऑफ ग्रास। तो ये बोलते हैं कि लिप्स ऑफ ग्रास ये बहुत पसंद की, क्योंकि इनमें जो है इस बुक में उनको प्रोफाउंड ट्रूथ, जो रियल ट्रूथ अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में इनको जानकारी मिलता है। वो रिडिक्यूल करते हैं क्राइम को अपने बहुत सारे एसेज में, जैसे कि डायनामाइटर में देखेंगे कि वो जो है क्राइम को पूरी तरह से जो है क्या करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं। वो बोलते हैं क्राइम गलत है, तो क्राइम के अगेंस्ट में ये हमेशा होते हैं। हिज मोरालिटी फाइंड एक्सप्रेशन एट मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, बट दिस इथिकल नोट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ओल्ड मोरालिटी एंड क्रिसमस सेरेमोन। तो उनके बुक में हम देखेंगे, उनके एसेज में हम देखेंगे, उनके क्रिएशन में हम देखेंगे कि मोरालिटी आप उस जगह पे भी मतलब अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे, जब वहां पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे मोरालिटी की बात हो सकती है, वहां पर भी आपको मोरालिटी की बात आपको देखने को मिल सकती है। इनके जो ग्रेट वर्क्स है ओल्ड मोरालिटी क्रिसमस सेरेमोन, इसमें बहुत सारे इथिकल नोट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी प्रोमिनेंट तरीके से देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्या है। हिज लव ऑफ हीरोइक, तो वो हीरोइक जो एक अप्रोच होता है, एक हीरोइक जो सो एक जो मतलब स्टाइल होता है, उस चीज को ये भी प्रमोट करते हैं। इनको काफी पसंद है हीरोइज्म। तो इनका एक अलग फीचर क्या है, हिज लव ऑफ हीरोइक, तो हीरोइक क्वालिटीज को ये बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज इनवैलिड ऑल हिज लाइफ, तो ये बहुत सारे जो क्या होते हैं इनवैलिड थे, मतलब ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे, बहुत सारी इनकी विकृतियां थी इनके शरीर में, और काफी सारा स्ट्रगल इन्होंने करा था। ये कभी स्कूल जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। हम अगले वीडियोज एक बनाएंगे सिर्फ, उसमें इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या थे, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे, पूरी तरह से जो है मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका डिटर्मिनेशन कभी कमजोर नहीं हुआ। कभी ये अपने समस्याओं को लेकर खुद की तरफ इंगित नहीं कि देखो मैं इतना समस्या में हूं, मैं इतने दर्द में हूं। इन सभी चीजों से ये बाहर निकल के अपने आप को जो चाहते थे करना, उस चीज पे इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई। ही वॉज फोर्स टू इंड्योर बट डिटरमाइंड नेवर टू लूज हार्ट एंड टू ब्रेव ऑल सफरिंग। तो ये हमेशा कोशिश करते रहे कि कुछ हमको नया करना, कुछ हमको बेहतर करना है, और कभी भी अपना दिल नहीं हारे, और पूरे जो है शिद्दत से इन सभी जो अपने उनके जो शारीरिक जो उनके कष्ट था उसके खिलाफ पूरा अपना लड़ते रहे, और इन्होंने काफी बेहतर करा, जैसा कि हम देख रहे हैं आज हम उनको स्टडी कर रहे हैं। ही बिलीव्ड इट इज बेटर टू लीव एंड टू बी डन विथ इट देन टू डाई डेली इन सिक रूम। तो उनका कहना था कि ये बेहतर है एक रूम में घुट घुट कर डेली मरने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और इस लाइफ को जिया जाए, और जो करना है उसको पूरे शिद्दत से किया जाए, और इन्होंने बखूबी किया। तो हम इनके लाइफ से काफी इंस्पायर भी हो सकते हैं। तो हिज हेड वॉज ब्लडी, जो यहाँ पे लिखा सफरिंग कुड नेवर
मार द जेनरलिटी ऑफ हिज नेचर, तो कभी उनका सफरिंग, कभी उनका दर्द जो है ना उनके जेनरलिटी को के नेचर को, उनके नेचर को कभी जो है डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे हम देखते हैं अलेक्जेंडर पोप के पास, वो भी उनके पास भी काफी सारी विकृतियां थी, लेकिन वो विकृतियां ना उनके नेचर में दिख जाता था, उस कारण से वो काफी जो है एक क्या उसको बोलते हैं हर जगह सटायरिकल अप्रोच अपना रहे हैं, और बहुत सारा उनका लाइफ में भी काफी सारी दिक्कतें थी, तो उन वो दिक्कत में आके इन्फ्लुएंस हो गए। लेकिन दिस पर्सन, इनके लाइफ में भी काफी दिक्कतें थी, लेकिन इस दिक्कतों के बावजूद भी उनका नेचर काफी अच्छा रहा, लोगों से काफी अच्छे से मिले जुले, उनके खिलाफ अपने जो है कष्ट को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डील करा। हिज हेड वॉज ब्लडी बट इट रिमेन अनबोर्ड, हिज लव ऑफ हीरोइक एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इज रिफ्लेक्टेड इन मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग। तो वो कितने भी दर्द में रहे लेकिन कभी उसके सामने झुके नहीं, ये बड़ी बात है कि कष्ट है लेकिन कष्ट के सामने झुके नहीं, और हीरोइक का जो इनका लव है वो हर जगह देखते हैं, और खुद को सेक्रीफाइस करने का भी जो एक क्वालिटी है ना वो इनके एसेज में आपको, इनके राइटिंग्स में आपको देखने को मिलता है। अब इनके प्रोज स्टाइल की बात करें तो स्टीवेंसन एक कॉन्शियस आर्टिस्ट थे, वो कहां पे कैसे लिखना नहीं लिखना है तो वो चीजों को बहुत ही अलर्ट माइंड हो करके चीजों को लिखते थे। हु मास्टर्ड हिज कॉलिंग विद पेनस्टिकिंग लेबर, तो कहते हैं ना कि आपका कॉलिंग, जैसे आपके अंदर से आपको फील आता है कि नहीं यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दिस, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, मान लो आप जो है प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो आप, लेकिन हो सकता है कि आपका नेचर कॉलिंग कहे कि नहीं यू वांट टू डू एमबीए। तो जैसे ये भी थे, इनके पिताजी एक बड़े बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो पहले इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई किए थे, तो इनको लगा, लोगों को लगता था कि ये इंजीनियर बनेंगे, लेकिन इनको लगा नहीं हमको जो है लिटरेचर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो इनका कॉलिंग क्या था, लिटरेचर था, मतलब जो आपके अंदर से इच्छा है कि हमको ये करना चाहिए, आप कर कुछ भी रहे हो लेकिन आपके अंदर से जो इच्छा थी ना कि हमको ये करना है, तो वो उनका जो है कॉलिंग को इन्होंने रेस्पेक्ट करा कि हम मुझे मतलब लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर में कुछ करना है, राइटर बनना है, तो इन्होंने इस स्टेप्स को जो है की तरफ अपने एक्शंस लिए, और बहुत ही मेहनत करके जो है इन्होंने काफी कुछ स्टडी करा, काफी कुछ काम करा। तो ये एक ऐसे राइटर है जिन्होंने लिखने से पहले ना काफी कुछ मेहनत करा था कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, और लोग कैसे लिखते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। तो एक कॉन्शियस आर्टिस्ट है, अपने कॉलिंग को, अपने जो इंटरेस्ट को इन्होंने काफी मेहनत करा। लिखने से पहले ये अपने स्टाइल पे को जो है ना राइटिंग स्टाइल डेवलप करने के लिए इन्होंने काफी मेहनत करा। विद दिस एंड इन व्यू ही स्टडीड द बेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन मास्टर एंड सॉ टू मॉडल हिज स्टाइल आफ्टर देम। तो ये लिखने से पहले बहुत सारे इंग्लिश और फॉरेन मास्टर्स, मतलब फॉरेन मास्टर्स मतलब कि जो ग्रेट लिटरेरी कैनन रहा है, कैनन मतलब होता है ना जो कि जैसे कि हम वो लिटरेचर का पार्ट जो यार्ड स्टिक बन के आता है, जो है ना टच स्टोन के रूप में आता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑफ द एजेज, तो वो एजेज, तो वो उसको बोलते हैं कैनन। तो लिटरेरी कैनन जो थे वो पूरे लिटरेरी कैनन को स्टडी करते हैं, इंग्लैंड के और बाहर के जो देश हैं उसके लिटरेचर को स्टडी करते हैं, और हम वो जानना चाहते हैं कि कैसा स्टाइल लिखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये लिखने से पहले इतने सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। इट इज दिस लॉन्ग ट्रेनिंग, काफी लंबा ट्रेनिंग, काफी मेहनत करते हैं जो इनके एसेज में हम देखते हैं, जिस कारण से ये है अपने एसेज में क्लैरिटी लाते हैं, इजीनेस लाते हैं, और फ्लूइडिटी मतलब लिक्विडिटी है, मतलब एक फ्लो है, एक इजीनेस आपको दिखने को मिलेगा। तो ये क्वालिटीज इनके पास आता है क्योंकि इन्होंने काफी सारा काम करा इस विषय पे लिखने से पहले। व्हाट ही राइट्स इज इजी टू रीड, तो ये जो लिखते हैं वो बहुत ही है इजी है पढ़ना समझना, क्योंकि ये किसी भी है ना मतलब क्योंकि इन्होंने लिखने के लिए ना काफी मेहनत करा होता है, वो चाहते हैं कि जो भी हम लिखे वो क्लियर हो, इजी हो, और उसमें एक लिक्विडिटी, उसमें एक फ्लो हो। He had a remarkable gift of condensing his meaning into a striking phrases. तो एक फ्रेज में बहुत सारे मीनिंग को कंडेंस करना, ये इनकी क्वालिटी। जैसे हमने फ्रांसिस बैकन के बारे में पढ़ा था कि फ्रांसिस बैकन एक ऐसे थे जो कि है ना एफोरिस्टिक राइटिंग था उनका, मतलब फ्रेजेज में इतने सारे बातों को कंडेंस कर देते थे, मतलब कम से कम शब्दों में अधिक बातें बोल पाना, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो इनमें भी है। This makes him one of the most memorable and quotable of English essayists. इस कारण से ये बहुत ज्यादा याद किए जाने वाले
और कोट किए जाने वाले। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसा फ्रेज है, फ्रेज के माध्यम से अगर बहुत सारे मीनिंग्स को अगर कह पाते हैं तो ये बेहतर है ना। आम जिंदगी में अगर आप कोटेशंस यूज करते हैं तो आप माने जाते कि हाँ यू हैव रीड द थिंग्स वेरी वेल, तो आप एक जो है जानकार व्यक्ति माने जाते हैं, तो लोग उसको कोट करते हैं और कम शब्दों में अधिक बातें बोल पाने एक अच्छी बात है। He bestowed great care of the choices of his words and systematically and laboriously studied their soul. तो शब्दों का ये बहुत प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं ना, प्रॉपर वर्ड फॉर प्रॉपर प्लेस, ये सारी बातें हैं किस जगह पे कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूरा मेहनत करके कि कहाँ पे इसका रियल कंटेक्चुअल मीनिंग निकल के आएगा, तो ये पूरी तरह से स्टडी करते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो है ना वर्ड को सिस्टमेटिकली यूज करना पसंद करते हैं, तो उनमें से ये भी है। बट ही इज नेवर सफर्ड एंड नेवर सबऑर्डिनेट मीनिंग टू सॉल्व, तो उनके लिए मीनिंग हमेशा इंपॉर्टेंट था और इस पर इन्होंने काफी सारा फोकस करा। तो आई होप आपने काफी कुछ इसमें इंजॉय करा। अगले लेक्चर सीरीज में जो है एक हम तो इसी पे एक वीडियो बनाएंगे, इनके बारे में कुछ और भी कहानियां बताएंगे इनके बारे में क्या है नहीं है, और बुक के सीरीज में हम जब स्टडी करेंगे तो हम जॉन रस्किन को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।